दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो केजरीवाल को 15 दिन के अंदर हम जेल भेज के दिखाएंगे, वो शीला दीक्षित को जेल नहीं भेज पाए। हमारी सरकार आने पर अरविंद केजरीवाल को करा दूंगा जेल, ये कहना है रामवीर चौहान का। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डालने का दावा इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान कर रहे हैं। रामवीर चौहान ने कहा कि जगह जगह पर 300 पन्ने के फाइल दिखाकर अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि वे अपनी सरकार आने पर शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल में डाल देंगे। उसी शीला दीक्षित से जेल में अब डालना तो दूर समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि जो लोग सीवर में अगर किसी की डेथ होगी तो उसको 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा और उसके परिवार से नौकरी मिलेगी। तो दिल्ली में पिछले 4.5 साल में लगभग 60 से 70 लोगों की डेथ हो चुकी है दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर में है। तो हम ये मांग भी करते हैं कि उन 70 लोगों की मौत की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है और दिल्ली के अगर हमारी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मर्डर का मुकदमा चलाएंगे, उसका केस दर्ज करवा के उन 70 लोगों की मौत की जिम्मेदारी हम डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर थोपते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। जांच की मांग करते हैं, साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की इस्तीफे की भी मांग करते हैं, क्योंकि जो ईमानदारी का मुद्दा था, जिस ईमानदारी के मुद्दे पे दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार बनाने आए थे तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री को जिनकी मौत हुई है तो उनकी मौत की जिम्मेदारी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। और ये बात हमने पहले भी कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो केजरीवाल को 15 दिन के अंदर हम जेल भेज के दिखाएंगे, वो शीला दीक्षित को जेल नहीं भेज पाए। रामवीर चौहान ने कहा कि यदि आपकी अपनी पार्टी की सरकार बनती है तो उसके पास भी केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। साथ ही केजरीवाल ने वादा किया कि कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई के दौरान मौत का शिकार होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए और नौकरी का कंपनसेशन दिया जाएगा। करीब 70 लोग इन हादसों के शिकार हुए लेकिन अभी तक एक भी परिवार के साथ ये वादा अरविंद केजरीवाल ने नहीं निभाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इन मामलों में मुखिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर उन्हें जेल के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। और भी कई मुद्दों को लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरा और कहा कि अब की बार दावे के साथ कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। लोगों को बार बार ठगा नहीं जा सकता। फिलहाल आपकी अपनी पार्टी ने इस साल लोकसभा चुनाव में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उसे देखते हुए दिल्ली में पार्टी के जीतने के समीकरण और प्रतिशत को ये पार्टी जरूर बिगाड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AA News।